ये चाची लोग लग गई है। आज आज कड़वा चौथ का व्रत है क्या? अच्छा, क्या अपनी पति देव के मामले में दो शब्द कहना चाहोगे? कड़वा चौथ रखा है। यस, मुंह में तो दिलवा गए। मुंह में दिलवा गए ना, कड़वा चौथ रखा। हाँ, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कड़वा चौथ से बढ़िया तो जैसे कि पत्नी अपनी पति को अच्छी तरह बोल दे, हाँ, ना इज्जत दे, उसी से उनकी उम्र बढ़ जाएगी। मेरे ब्लॉग देखने में व्यस्त होंगे तो फिलहाल मित्रों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड की हसीन वादियों के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर अन्ना में। तो मित्रों शुरू करते हैं नए दिन के साथ एक नया ब्लॉग। तो फिलहाल आज के ब्लॉग की शुरुआत 10 बजे से और फिर से इन झुंड झाड़ी के बीच में से हो रही है, मतलब बीच में रास्ता है तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ आज नीचे। अस्सा भाई लोगों के यहाँ हल्का फुल्का काम है तो एक बड़ा बिग सरप्राइज होने वाला है कुछ दिनों बाद। आप लोग उस ब्लॉग को तो ज़रूर देखिए। बाकी कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, सब कुछ मैं दिखाऊँगा। और बाकी बहुत मोटिवेशन मिल रहा है यार मुझे तो आजकल बहुत यार, भाई लोगों के द्वारा जितने मिलते हैं भाई लोग जो मुझे मोटिवेट करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और जो डिमोटिवेट करते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद यार, होना चाहिए ना, मोटिवेशन भी लेना चाहिए डिमोटिवेशन भी लेना चाहिए, दोनों लो तभी आगे बढ़ोगे। बस लगे रहो बल, हर लोग यही कहता है भाई लगे रहो बढ़िया चल रहा है, होगा एक दिन होगा, कब तक नहीं होगा। मैंने भी यही सोची है, लगे रहता हूँ कब तक नहीं होगा, हार तो मैं मानता नहीं मित्रों। देख ही रहे हो आप लोग जो भी चल रहा है बढ़िया चल रहा है। तो फिलहाल चल रहे मित्रों फिर से आगे को, बने रहिए आज के इस तगड़े ब्लॉग में, ले चलते आगे को, देखिए क्या रहता आज के इस दिन में हमारे साथ सीन सपाटा। पहाड़ों में रास्ते ऐसे होते हैं यार, जब ये घास ऐसे बढ़ जाती है तो ना, जब जहाँ को नी काटी रहती है तो ऐसे रास्ते हो जाते हैं, देख रहे हो ये। तो यहाँ साफ सफाई करनी पड़ेगी, यहाँ भी देखो कभी भी आप सीटी बजाओ तो ऐसे कुत्ते ना पूंछड़ी हिलाते हैं तो काट देने, ठीक है ये समझ जाना, इशारा ये हिलाई ना तो कुछ नहीं करेगा मेरे लिए, ये देखिए। चले चल रहे हैं मित्रों सीधे, जस्ट नीचे रोड है, यहाँ से यहाँ को जाना है हमने, यहाँ से बताता हूँ, हाँ ये रहा यहाँ नीचे रोड है, यहाँ से सामने जाना हमने, हम जहाँ हमने आज साफ सफाई करनी है। दादे भाई पहले पहुँच चुके हैं, दादे भाई बहुत बढ़िया, चलो चलो दादे भाई एक आध भचौक मारो यार। यहाँ पर अभी देख सकते हो आप लोग कैसे जुत्ते हैं ये, और लास्ट में जब हम घर को जाएंगे उस समय किस प्रकार से साफ सफाई करते हैं वो भी दिखाएंगे। फिलहाल बने रहिए, ये रहे भाई, चलिए ये रहा सीन। चलो दादे भाई, चलो चलो सब्सक्राइबर मिलते रहते हैं भाई। सिन्नू लग गए 440 बोल्ट। हाँ करण भाई पहाड़ी एक्टिंग, मतलब पहाड़ी क्या कहते हैं ट्रिक, जब सिन्नू लगता है तो नाक से शेख सुख सिकाना निकालो और लगा लो। हाँ सिन्नू ही सिन्नू लगता है ना। चलिए हम भी हल्का फुल्का सहयोग करते हैं, आज दिन करूंगा ना यार। हमारे यहाँ पनीर मिलता है वैसे। तो मित्रों लगभग आधा काम तो हो चुका है, अब इसमें मोटे मोटे जो ये बिच्छू घास के जो तने होते हैं काफी मोटे होते हैं, तो ये मतलब लकड़ी की मदद से तो काटे नहीं जा रहे हैं, तो इसको काटने के लिए बड़े आटे चाहिए होता है, बड़े आटे एक हथियार है, ठीक हथियार होता है, तो उसी की मदद से आप जूते होते होंगे उनको साफ किए जाएंगे। चलिए फिलहाल बने रहिए, ये रहा अभी का सीन, यहाँ से साफ कर दिया, वहाँ से भी पूरा क्लियर करना हमने। लगभग मित्रों देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्लियर होने वाला है। सर भाई कैसा लग रहा है, आनंद आ रहा है, रोला करना है क्यों? कुछ खतरनाक सरप्राइज आने वाला है क्या कहते हैं दीपावली तक, आप लोग बने रहिए इस चैनल में, फुल देखने को मिलेगा। ये देखिए अब यहाँ पर कुछ बना रहे हैं हम। चले मित्रों बाकी अभी हम फेंक रहे हैं तो इनको ले जाने के लिए, जो हमारे बीम के खम्भे नहीं थे क्या पुराने, इनको ले जाने आए थे। कुछ कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं आप लोग, ब्लॉग में बने रहिए। ये देखिए चले निकल ले हैं खम्भों को लेके। तो मित्रों सीन देख सकते हो अभी का, फिलहाल यहाँ पर इतना साफ सफाई कर दिया है और कह रहे हैं कि भाई लोग जेसीबी आ रहे हैं तो जेसीबी से थोड़ी हेल्प मांगते हैं, तो देखते हैं जेसीबी वाला करता है कि नहीं। तो यहाँ पर हल्का सहन करना है, दो घसीटे मारने हैं तो देखते हैं जेसीबी करता है कि नहीं। चलिए जेसीबी कुछ हेल्प करते हैं कि नहीं देखते हैं। चलिए
इसके आगे ड्रम भैया करेगा क्या भैया? ले रहे कैंटर ले आगो, ये बड़ी विपदा आ गई यार, यहाँ से भी कैंटर। चलो चलो भैया, चलो 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 भाई, काम कर देगा क्या? चलिए जेसीबी आ गया, लेकिन आगे ये है ड्रम करता है कि नहीं भाई? भाई काम था यार। अरे यार ये तो ये इसने यार ये कौन है यार, इसने तो ये तो रुका ही नहीं यार, कुछ मतलब ही नहीं रखा यार, अब कसी से करना पड़ेगा यार। ये हो गया सीन यार, छोड़ो यार, अब उसको 500 का फर्रा दे रहे थे हम इतनी करने की, अब कुछ नहीं देंगे यार, अब सभी भाई लोग ही हमारी काफ़ी मेहनती है। चलो भैया चलो, हम भी करना है, क्या करना है, ये जो है ना ऊपर जमीन आए यहाँ से नीचे से यहाँ तक, तो पूरा लेवल में लाना। सरकारी जेसीबी वाला कुछ हेल्प नहीं कर गया साला। हाँ देख रहे हो मित्रों, ऐसा हुआ सीन, तो करते हैं सब काम हम, बाकी मिलते हैं कुछ समय बाद, आप लोग बने रहिए। पहले ये बताओ इसको इसको हटाना है, इसको हटाओ ना। अच्छा रे जीरो रन है समझ में, इसी में डाल देता हूं इसको भी। हां इसको डाल दे यहां पर। अरे इसमें तो ट्रक आ जाएगा यार, ये तो कैसे लाएंगे? हैंड हैंड करने जिम्मेदारी मेरे में, तो आपको अंदर घुसा देंगे बस। अरे मुझे बंधने हैं तो आज मित्रों, कड़वा चौथ का यही तो फायदा हुआ। जितने भी भाई लोग हैं मुझे छोड़ के सबने कड़वा चौथ का व्रत रखा है, अब पता नहीं किसके लिए रखा है, दादे ने खास लेकिन रखा है। दादे भाई तो अपना थूक भी नहीं निवरे यार, इतना इतना सख्त व्रत मान रहे आज, ठीक है अपना थूक भी नहीं निवरे यार। अभी भी कम टू कड़वा चौथ, सभी लोगों को कड़वा चौथ की बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से, जो व्रत रखता है नहीं रखता है सभी लोगों को धन्यवाद मिलते हैं। वाह ये चाची लोग लग गई है, आज आज कड़वा चौथ का व्रत है क्या? अच्छा क्या अपनी पति देव के मामले में दो शब्द कहना चाहोगे? अच्छा क्या? और एक एक किलो मेकअप सुनने में आ रहा था, अभी भात खा के आए और कह रहे हो कड़वा चौथ है और पीछे इनका लड़का। अच्छा 12 बजे से व्रत है, गुड गुड। ये मीना भोजी का लड़का पीछे पीछे क्यों लगा हुआ है? ये दब जा लो, मर्क हो ही ना आले, मर्क हो ही ना कबू कहां बगनी नहीं हो, इतना बगनी थोड़ी है, इतना कबू आ जा नहीं है, जस्ती बग गई कोनो बस ये खाली में खगुना है जनो कचार जो वो एक का वर्क में जथोल फुल बस हल्का गियर करने से आ रही के चलिए मित्रों, आधा काम तो हो चुका है, वहाँ तक साफ कर दिया, पूरा देख सकते हैं। बाप रे ये देखो, ये यहाँ पर ये क्या कहते, पर्स नहीं कहते क्या, उस टाइप का है, पूरी खाद जैसी बनी है ऐसी वाली, इसके अंदर कीड़े देखो यार, हजारों लाखों की संख्या में ये बाप बहो, कीड़े देख रहे हैं ने, बाप रे लाखों की संख्या में कीड़े ही कीड़े। फिलहाल मित्रों टाइम हो रहा है एक, तो अभी तक हमने जो किया ऐसा यहाँ पर, फिलहाल देख सकते हैं आप लोग खुद कैसा था पहले, अब देखिए पूरा यहीं तक पूरा लेवल में लागे हैं, और यहाँ पर टीन का निर्माण हो रहा है, जो हम फैक्ट्री से जो बीम लाए थे, खम्बे फील्ड में जो वॉलीबॉल की थी उनको भी तोड़ ताड़ के फर्स्ट क्लास यहाँ पर हमने बना दिया है छानी जैसी। ये देखिए हल्का फुल्का और काम बचा है, ये टीन में ठोकनी है, चलिए सब काम कर लेते हैं फिर बाकी मिलते हैं। चलिए मित्रों फाइनली टाइम हो रहा है 1:30, और देख सकते हैं आप लोग काम जो है हो चुका है कंप्लीट फिलहाल, हम छानी वानी भी और यहाँ पर लेवल में सब आ चुके हैं। मिसदा नमस्कार, हरिओम, आपको कड़वा चौथ की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आज कड़वा चौथ रखा है? यस, मुंह में तो दिलवा गए मुँह में दिलवा गए ना, कड़वा चौथ रखा है, बिल्कुल रखा है। अच्छा मतलब कड़वा चौथ में क्या होता है कुछ बताओ तो पब्लिक को, वो कड़वा चौथ में क्या होता है, व्रत होता है बस, व्रत होता है, उपास ही होता है उसमें, और क्या होता है मतलब कुछ नहीं होता क्या, पति की उम्र बढ़ जाए? पति की उम्र बढ़ती है ना, पति की उम्र बढ़ती है इसमें। अच्छा आपने आप तो कुछ पति हो? हाँ मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कड़वा चौथ से बढ़िया तो जैसे कि
पत्नी अपनी पति को अच्छी तरह बोल दे, हाँ ना, इज्जत दे, उसी से उनकी उम्र बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो एक फर्जीवाड़ा है कि कड़वा चौथ का बात है। बात सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो यहाँ पर ककड़ी का लुप्त उठा रहे हम, ये देख सकते हैं। तो बाकी चलते हैं सीधे घर को। तो फिलहाल मित्रों फर्स्ट क्लास काम वाम करके नहा धो के हो चुके हम तैयार। तो तैयार मतलब खाली ऐसे कपड़े वपड़े पहन लिए। तो अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो आप लोग बने रहिए, ले चलते आपको फिर से आगे को। तो मित्रों टाइम हो रहा है शाम के 4:15, निकल पड़े हम घूमने सीधे फैक्ट्री की तरफ। तो आपको जैसा कि पता ही है डेली का हमारा शाम का रूटीन फैक्ट्री हुआ। तो आजकल ठंड बहुत बढ़ चुकी है जिसके चलते हम आग आग जला के बैठे रहते हैं शाम को। तो बाकी चलते हैं फिर से आगे को, बने रहिए। वैसे तालाब के किनारे आया था क्योंकि यहाँ पर ये पाइप लाइन देख रहे हो तो हल्का फुल्का पानी नहीं आ रहा था, तो मैं सही करने आया था। लेकिन यहाँ पर पहले से जोड़ रखा है लेकिन फिर भी पानी नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं कब तक आते हैं। कल भी आया था मैं सही करने शाम के समय में, नहीं हुआ। अभी भी पानी वहाँ तक नहीं चढ़ा क्योंकि हल्की चढ़ाई है, तो पाइप ऐसे चढ़ाई में है तो पानी का जो बहाव है उसमें वो कम है जिसके चलते पानी चढ़ ही नहीं रहा है उसमें। तो देखते हैं क्या होता है, कब तक नहीं चढ़ता। अगर नहीं चढ़ेगा तो फिर कुछ टेक्निक अपनानी पड़ेगी, नहीं तो आ जाता है तो मतलब फिर ठीक ही हुआ। बाकी अब देखते हैं कितने समय के बाद ये पानी आता है। यहाँ पर है इसका एक जोड़, ये देखिए ये वही पाइप है लेकिन इसमें अभी आ नहीं रहा है। चलिए फिलहाल ये रहा। तो मित्रों टाइम हो रहा है रात्रि के 8:30, निकल पड़ा हूँ मैं रामलीला देखने। तो आज कड़वा चौथ भी है, तो जी जिसने कड़वा चौथ का व्रत रखा है सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से। ये देखिए कड़वा चौथ वाले चाची लोग, दीप भाई वाह नहीं यार, दीप भाई का लग रहा है, मेरा नहीं है यार। ये देखिए चाची लोगों का व्रत है, तो यहाँ पर व्रत निभा रहे हैं ये। तो बाकी मैं तो चलता हूँ रामलीला देखने, तो आपको भी ले चलते हैं। फिर से एक बार कड़वा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ जिसने व्रत रखा है, चुपचाप से भी रखे रहते हैं कब बहुत लोग कि घर वालों को पता ना चले करके, तो उन लोगों को भी काफ़ी बधाइयाँ मेरी तरफ से। और मैं क्या कहूँ, बस बाकी सपोर्ट करें, चलिए। वो मधु पाजान काट, मधु पाजान काटा, वो मधु पाजान काट, मधु पाजान काटा। रामलीला में पहले आप लोग जनसंख्या देखिए और रामलीला का लुप्त सभी लोग उठा रहे हैं। और यहाँ पर अपने बड़े भाई मिल चुके हैं निर्दा और उनके पीछे सरदा और अपने चाचू। निर्दा कैसा लग रहा है रामलीला में? बढ़िया लग रहा है। हाँ हम सोच रहे हैं थोड़ा और इसकी उन्नति हो जाए, जनसंख्या ज्यादा हो जाए। हाँ बाकी निर्दा को जो कार लाए बहुत बहुत बधाई निर्दा को, धन्यवाद।
तो ऐसे तरक्की करते रहे। बाकी निर्दा एक दिन स्पेशल पार्टी रहेगी, ठीक है, कार की इसी चीज में एक मूंगफली दे रहे हैं, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। बहुत 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 धन्यवाद। अकेले तो नहीं खाएंगे इसको, फाड़ो और यही खा रहे हैं हम सभी साथ में, ठीक है। चलिए फिलहाल फाड़ो 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 भाई, बूबू जी फाड़ेंगे। हाँ चाचू चाचू तो फाड़ो, इसको दे देना, ले रो भी लाए भाग के पकड़ भाई, चलो फाड़ो का। अरे ये जब भी दालों के साथ जाओ, अरे ये खाओ वो खाओ रुपए लो, नहीं बस धन्यवाद, बस बस धन्यवाद धन्यवाद। चलिए चलते हैं मित्रों, बड़े भाई लोगों से मिलके काफी बढ़िया लगा, आपको कैसा लगा हमसे मिलके? बहुत बढ़िया लगा, बड़ी ब्लॉग देखते नहीं था, चलो बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया हो रही है। हाँ हाँ बस और क्या चाहिए, बिल्कुल धन्यवाद धन्यवाद, दुख की उस बहुत हुई। चलिए चलिए फिर से आगे। तो बाकी मित्रों टाइम हो रहा अभी 9:30 और मैं पीछे आया था जस्ट सामने रामेला चलिए पीछे ग्राउंड में आया था, यहाँ सेक्टर 7 जली है और अपने राजदा लोग भाई लोग मिल चुके हैं वहाँ। कैसा लग रहा है भाई लोगों की तरफ से? तो फुल सपोर्ट है, बिल्कुल सपोर्ट करो दबा के। और रामेला में कैसा लग रहा है? बहुत बहुत टाइम बाद आ रहे यार भाई लोग, आजकल ऐसे ही बाहर को काम करते हैं तो आजकल घर आए तो रामेला के सीजन में कैसा लग रहा है रामेला में? एक नंबर एक नंबर। अब इसके बाद दीप महोत्सव भी आएगी, उसमें भी काफी लुप्त लेंगे काफी मजा लेंगे, क्यों? बढ़िया बढ़िया भाई, जिंदगी में और क्या चाहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और मजे लेते रहो और क्या चाहिए, क्यों? और कुछ भाई को सपोर्ट करो भाई, बिल्कुल बहुत मेहनत करते हैं भाई, ये चीज में बहुत मेहनत चाहिए भाई, लोग सपोर्ट करो, बिल्कुल बिल्कुल भी है ना भाई, सपोर्ट करो बस, बिल्कुल फुल सपोर्ट अपनी तरफ से, जो सपोर्ट आई भाई लोग सपोर्ट करो, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद दादा, ऐसे ही हमारे साथ भाई का सपोर्ट बने रहे और हमारा सपोर्ट इनके साथ बने रहे, बस इतना कहना चाहेंगे। तो बाकी धन्यवाद, कैसा लगा मिलके? बढ़िया यार भाई बढ़िया। चलो फिलहाल चलते फिर से मित्र लोग आगे को, बने रहिए। तो फिलहाल मित्रों फाइनली पहुंच चुका हूं मैं घर, टाइम हो रहा अभी लगभग 11:30-12। तो मित्रों आज का जो व्लॉग था यही था, काफ़ी मोटिवेशन देखने को मिला आज मुझे, काफ़ी बढ़िया लगा। तो कल भी कह रहा था और आज भी काफ़ी बढ़िया लगा, ऐसे मोटिवेशन आप लोग देते रहिए। बाकी आज करवा चौथ है, फिर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। बाकी भयंकर नींद आ रही है यार आज ना, रामलीला में भी आ ही चुके हैं फिलहाल रामलीला से। तो मित्रों इसी के साथ आज का ब्लॉग जो है यही था, आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग बढ़िया लगे, अगर बढ़िया लगे तो चैनल को लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और कमेंट में लिखे जय श्री राम। तो मित्रों फिलहाल इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ब्लॉग के साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, जय देवभूमि।